नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अपना खुद का ऑनलाइन वोटर कार्ड करेक्शन किए हो या फिर करने वाले हो तो आपके मन में भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हमने तो ऑनलाइन करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल दी है, अब ये रिक्वेस्ट कितने दिन के बाद एक्सेप्ट कर ली जाएगी या फिर हमारा जो वोटर कार्ड है कितने दिन के बाद सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि हमारा वोटर कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा। अगर अपडेट हो गया होगा तो हम किसी CSC सेंटर में जाके और उसको प्रिंट निकलवा लें। तो ये दो क्वेश्चन आपके मन में भी हो सकते हैं, तो आज मैं आपको कम्प्लीटली इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, और अगर आप भी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल से और करेक्शन करते हैं। मैं किसी CSC सेंटर या फिर जो नगर पालिका में जाके अपडेट करते हैं अपना वोटर कार्ड, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आज आपने अपने मोबाइल से ऑनलाइन करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली है, तो ये कितने दिन के बाद एक्सेप्ट हो जाएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी 100% आंसर नहीं दे सकता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 1 वीक के अंदर अंदर सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर ही जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता हूँ ना तो कोई भी बता सकता है। जस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हो सकता है कि आपको 1 वीक का भी टाइम लग जाए, हो सकता है कि 1 मंथ का भी टाइम लग सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके उस एरिया के ऊपर, वो जो ऑफिस होती है वहाँ पर जो ऑफिसर बैठता है इस काम को करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि नगर पालिका होगा या फिर नगर निगम होगा या फिर और भी जगह जहाँ पर ये काम होता है। और अगर हम विलेज साइट की बात करें गांव देहात की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में फटाफट से अपडेट हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। विलेज साइट में ऑनलाइन की रिक्वेस्ट बहुत ही कम आती है, कभी कभार एक दो आ गई तो ठीक है, वरना वहाँ पर जो भी काम होता है सब ऑफलाइन होता है। मतलब किसी को अगर वोटर कार्ड करेक्शन करवाना है या फिर न्यू बनवाना है, तो लोग खुद से मैनुअली तौर पे अपने ऑफिस जाते हैं और फॉर्म वगैरह फिलअप करके और अपना काम करा लेते हैं, और ये बात उस ऑफिसर को अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से जो भी ऑनलाइन की रिक्वेस्ट आती है तो वो वहाँ पर पड़ी ही रहती हैं, और वो लोग अपने पोर्टल में ओपन करके ही नहीं देखते। और अगर हम सिटी की बात करें तो जो सिटी में होता है वो फटाफट से काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन की जो रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा में आती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऑनलाइन करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली है और आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली गई है, तो आपका जो वोटर कार्ड है अभी तक अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको NBSP पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से आपको न्यू पोर्टल यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर टोटल मार के और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलिए, मैंने तो अकाउंट पहले से बना लिया है, इसलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हम सक्सेसफुल इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पे। इसके बाद से लेट स्टार्ट। इसके बाद से आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। इसके बाद से अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे और फैच डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वोटर कार्ड है सक्सेसफुल अपडेट हो गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर वही डिटेल्स दिखाई देगी जो आपने करेक्शन करवाया है वो सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। ये तो रहा एक ऑप्शन, अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। और इसके बाद से आपको दोबारा से होम पेज पे आ जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सर्च इन इलेक्टोरल पर। और इसके बाद से आप यहाँ पर अपना वोटर कार्ड नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हो और अपनी जो डिटेल्स है वो भी डाल करके सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना वोटर कार्ड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद से अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालूंगा और सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके वोटर कार्ड में जो भी डिटेल्स होगी वो सक्सेसफुल अपडेट हो गई होगी, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और अगर यहाँ पर अपडेटेड शो हो रही है, तो इसके बाद से आप किसी भी CSC सेंटर में जाके और 100 रुपये दे के और अपना वोटर कार्ड प्रिंट
करवा सकते हो। और मैंने जो आपको दो तरीके बताए हैं, अगर यहाँ पर आपकी डिटेल्स अपडेटेड शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वोटर कार्ड है अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है, आपको कुछ दिन तक और वेट कर लेना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर जो न्यू पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो, इसके बाद से अपनी प्रोफाइल आप चेक करते हो तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स मिलेगी, आपका जो नेम मिलेगा वो आपका ओल्ड वाला ही यहाँ पर मिलेगा। कुछ लोग इसी को देख के ये बोल देते हैं कि हमारा इतना महीना हो गया है, हमारी जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन हमारा वोटर कार्ड अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है। वो आपको यहाँ पर जो डिटेल शो हो रही है वो ओल्ड वाली शो हो रही है, और इससे पहले मैंने जो दो दो तरीके बताए हैं, अगर वहाँ पर अपडेट हो गया है तो आपका सक्सेसफुल वोटर कार्ड अपडेट हो गया है।